अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन या SCP। तो क्योंकि अभी हमने इतना सारा सीख लिया है तो उस चीज़ों को रिकॉल करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रिकॉल टेस्ट देखेंगे। रिकॉल टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाई यील्डिंग इंडियन राइस हाइब्रिड इस, ऑप्शंस हैं ए सोनालिका, बी कल्याण सोना, सी जया और डी सैकरम। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इंडियन की राइस वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर टू है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, ए बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी वायरसेस, डी एल्गे। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, परभनी क्रांति इज अ डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ, ए वीट, बी राइस, सी मेज, डी भिंडी। जो परभनी क्रांति एक डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है वो किस क्रॉप प्लांट की है। हम यहाँ पर वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपने आंसर्स लिख सकें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ए सीरियल्स विद एडेड न्यूट्रिएंट्स, बी डिजीज रेजिस्टेंट सीरियल्स, सी हाई क्वालिटी फ्रूट्स और डी हाई क्वालिटी मीट एंड एग्स। तो जो बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग स्टेप्स इज, ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, टेस्टिंग एंड कंपैरिजन ऑफ हाइब्रिड्स, बी सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, टेस्टिंग एंड कंपैरिजन ऑफ हाइब्रिड्स, सी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, टेस्टिंग एंड कंपैरिजन ऑफ हाइब्रिड्स एंड लास्ट कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। और लास्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, टेस्टिंग एंड कंपैरिजन ऑफ हाइब्रिड्स। तो इसमें हमें एक करेक्ट ऑर्डर बताना है जो कि हम प्लांट ब्रीडिंग स्टेप्स में फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन 2 क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएं। और हमारे आंसर्स हैं ये, सॉल्यूशन 1 सी, सॉल्यूशन 2 बी, सॉल्यूशन 3 डी, सॉल्यूशन 4 ए, सॉल्यूशन 5 ए। और हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सकें। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन SCP। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि ये ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही हैं। प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ हमने एक और न्यू टेक्नोलॉजी को सीखा जिसका नाम है बायोफोर्टिफिकेशन। पर फिर भी कहीं ना कहीं आगे जाके ये हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। या अगर हम बात करें फ्यूचर में, इसी रेट से अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती गई तो जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी। तो हमें इन 2 टेक्निक्स के अलावा भी और ऐसी टेक्निक्स को सोचना होगा और सीखना होगा या डेवलप करना होगा जो कि हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को उसी रेट से, उसी स्पीड से फुलफिल कर सके। इसी के अलावा हम एक और चीज़ की यहाँ बात करते हैं, ह्यूमंस पहले सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स पे डिपेंडेंट थे, अब धीरे धीरे आगे जाके वो मीट वाली डाइट पे भी डिपेंड हुए हैं। तो जैसे जैसे मीट वाली क्वांटिटी या इसकी डिमांड इंक्रीज हुई है, इसकी वजह से जो ग्रेन्स हैं उनकी भी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो भी इंक्रीज हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि हम लोग जो मीट वाली क्वांटिटी या उस फूड पे डिपेंडेंट हैं वो है हमारे एनिमल्स, जो कि हमें ये मीट प्रोवाइड करेंगे। और इन एनिमल्स के लिए हमें उन्हें फूड देना पड़ेगा, यानी हमने जो फीडिंग मेथड सीखा था उसमें हम फूड प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छी क्वांटिटी का मीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो ग्रेन्स हैं वो भी अच्छी क्वांटिटी में देने पड़ेंगे, और इस अच्छी क्वांटिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमें उन्हें और ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। और इन्हीं सब की वजह से हम यहाँ पर बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। क्या आपको पता है कि 3 से 10 किलोग्राम का जो ग्रेन है वो प्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ 1 kg का मीट। ये कैसे पॉसिबल है। हमने अभी बात की थी कि जो 3 से 10 किलोग्राम का ग्रेन हम एज अ फीड प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को या कैटल्स को, ये फीड वो खा के फिर जाके 1 kg ऑफ मीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो अगर हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी का ग्रेन देंगे तब जाके हमें सिर्फ और सिर्फ 1 kg ऑफ मीट मिल पाएगा।
तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हिडन हंगर या माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है, तो हमें अच्छी क्वांटिटी का प्रोटीन डेवलप करना होगा। और इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक न्यू टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया। उन्होंने सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी किया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी है। और ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे सिलेक्ट किए गए जो कि बहुत ज़्यादा रिच थे प्रोटीन्स में। और इन सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स को जो कि प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच थे, हमने इन्हें बोला सिंगल सेल्ड प्रोटीन, या शॉर्ट में हमने इन्हें बोला SCP। इन सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को फिर जाके कल्चर और डेवलप किया गया ताकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन को डेवलप कर सके और ह्यूमन इसे कंज्यूम कर सके। इसके बाद हम बात करेंगे इसी टॉपिक के दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है माइक्रोब्स फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स की, उन सिंगल सेल माइक्रोब्स की जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम एक इमेज देख पा रहे हैं जो कि है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है जिसे हम आसानी से कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ यानी जो भूसा होता है उस पर, एनिमल वेस्ट उस पर, मोलासिस, हम आगे बात करें सीवेज वाटर में जो गंदा पानी निकल रहा है, और उसी के साथ साथ हम बात करें वेस्ट वाटर जो कि पोटैटो प्लांट से निकलता है, क्योंकि इस वेस्ट वाटर में बहुत अच्छी क्वांटिटी में स्टार्च मिलेगा, तो इसलिए आसानी से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को या इस स्पायरुलिना को यहाँ पर कल्चर कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। और इन सभी जगहों पर ग्रो करने का एक एडवांटेज ये होता है कि ये स्पायरुलिना कहीं ना कहीं प्रोटीन देने के साथ साथ हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कम करने में भी बहुत मदद कर रहा है। अब आगे अगर हम इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो हमारा स्पायरुलिना है, जो सिंगल सेल प्रोटीन है, वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देता है जैसे आप यहाँ इमेजेस में देख पा रहे हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में, छोटी मेडिसिंस की फॉर्म में या आइसक्रीम की फॉर्म में, ये आसानी से हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा स्पायरुलिना का आर्टिफिशियली अवेलेबल एक पाउडर भी आता है जो कि रिच होता है प्रोटीन्स में, मिनरल्स में, फैट्स में, विटामिन्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में। यहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेट की गई है कि जो 250 किलोग्राम की एक काओ है वो प्रोड्यूस करती है अराउंड 200 ग्राम का प्रोटीन डेली। वहीं अगर उसी टाइम ड्यूरेशन में देखा जाए तो 250 ग्राम का एक बैक्टीरिया यानी एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसका नाम है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस, वो इतनी ज़्यादा रेट से, इतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ आप इमेजिन कर पा रहे हैं, क्या आप सोच पा रहे हैं कि जहां पर एक 250 किलोग्राम की काओ सिर्फ 200 ग्राम का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है डेली, उतने ही टाइम पे सिर्फ 250 ग्राम का एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है 25 टन का प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये टेक्निक, ये सिंगल सेल प्रोटीन वाली टेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमन के लिए बहुत काम आ सकती है। तो बच्चों, क्या आप रेडी हैं एक कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए? चलिए एक चैलेंज देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, हमारे ऑप्शंस हैं ए स्पायरुलिना, बी प्लास्मोडियम, सी अमीबा, डी फंजाई। तो हमें एक एग्जाम्पल ढूंढना है जो कि एक सिंगल सेल प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। यहाँ पर हम वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे और आप अपना आंसर नोट डाउन करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर है ए स्पायरुलिना। रीज़न है, स्पायरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन माइक्रोब है जो कि फूड प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ज़्यादा रिच होता है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर समरी और नोट मेकिंग देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। एक अल्टरनेट सोर्स हमारे फूड का जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है और जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है एनिमल और ह्यूमन के लिए, वो है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन यानी SCP। हमारा दूसरा पॉइंट है, माइक्रोब्स लाइक स्पायरुलिना आर ग्रोन ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स कंटेनिंग स्टार्च, स्ट्रॉ, मोलासिस, एनिमल मैन्योर टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज एंड कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स।
हमारा थर्ड पॉइंट है 250 ग्राम ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस हैज हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड कैन प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। और हमारा फोर्थ पॉइंट है लार्ज स्केल मशरूम कल्चर इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री विच मेक्स इट बिलीवेबल दैट माइक्रोब्स टू वुड बिकम एक्सेप्टेबल एज फूड। अब हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप ये सारे पॉइंट्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें।